सामने है कि वो आकर अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो सिंसियर होकर बातचीत करेंगे जिस चीज के लिए वो मीटिंग है, एससीओ की मीटिंग जिन चीजों के लिए है, आतंकवाद पर बात करने के लिए है, बिजनेस पर बात करने के लिए, बहुत सारी चीजें, क्या वो उस मंच का इस्तेमाल सिर्फ उसी के लिए करेंगे? और अगर वो कश्मीर के लिए करते हैं तो फिर वो उसी ट्रैप में फंस जाएंगे जिसमें उनको फंसाया जा रहा है। और अगर उन्होंने, अच्छा एक बात बताइए आजू जी, 75 ईयर्स में क्या कश्मीर को लेकर इंडिया का स्टैंड बदला या पाकिस्तान का स्टैंड बदला? नहीं बदला, नहीं, नहीं बदला। क्या पाकिस्तान की तरफ से जो भी कोशिशें की गई, 3 बार अटैक किया गया कश्मीर के लिए, 3 लड़ाइयां तो हमने बिल्कुल कश्मीर के लिए लड़ी हैं, क्या कश्मीर का 1 इंच भी आप ले पाए? नहीं ले पाए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तानी, 75 ईयर्स से हर बच्चे की जुबान में, जहन में भरा जाता है ये नारा, क्या कश्मीर बन गया पाकिस्तान? नहीं बन पाया। तो अगर हम इसे देखें तो पाकिस्तान, अगर मैं इंडिया की सोच के बारे में बात करूं कि जो आपका, आपकी इमेज जो पोर्ट्रे हो रही है वो कैसी पोर्ट्रे हो रही है, आप गली के गुंडे की तरह पोर्ट्रे हो रहे हो कि एक हाथ में आपके न्यूक है और दूसरा हाथ में कहते हो कि जी हमारे ये काम करो नहीं तो हम न्यूक चला देंगे या हम ये कर देंगे या हम वो कर देंगे, अक्सर आपके यहां से ऐसे बयान आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप थॉरली एनालाइज करें कि 75 ईयर्स में पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए क्या किया, कश्मीरियों के लिए क्या किया, या जिस चीज लिए वो पूरी पॉलिटिक्स इर्द गिर्द आपके घूमती है, क्या वो पॉलिटिक्स सिर्फ वोट तक सीमित रह गई या एक्चुअल ग्राउंड पे कुछ हुआ है? इसका जवाब यह है कि ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ, ना कश्मीर पाकिस्तान बना, ना कश्मीर का 1 इंच आप ले पाए। हाँ, इंडिया ने उसमें चीजें बदलाव की हैं, इंडिया की एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, उन प्लानिंग में जो स्टेप्स लेने हैं वो धीरे धीरे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, स्टेप्स 370 लेके हमने उसको शुरू कर दिया है, अब G20 की मीटिंग है, इसके बाद SCO की भी मीटिंग वहां पर होनी है, धीरे धीरे वहां पे आपको शायद अब तक खबर पहुंची होगी कि हम ICC से शायद कोई बातचीत भी चल रही है कि अगर हम वहां पे एक वर्ल्ड कप का मैच कराएं हम क्रिकेट का शेर कश्मीर स्टेडियम में। तो ये बहुत लंबा स्टेप्स है और मैं आपको कई सारे ऐसे स्टेप्स गिना सकता हूं जो आने वाले 10 साल में लिए जाने हैं। तो कुल जमा ये है कि इंडिया के पास तो प्लानिंग है, पाकिस्तान के पास प्लानिंग नहीं, तो पाकिस्तान को हकीकत स्वीकार करनी पड़ेगी, ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। हवा वाई बातें मत करो भाई, आप अब बताओ कि आगे कैसे चलो। देखिए कश्मीर का कोई हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, आजाद कश्मीर जैसे यहाँ पे कहा जाता है, तो वो तो आप लोग भी नहीं ले पाए। आप लोगों ने भी बहुत कहा क्या टू टंग है कश्मीर और ये वो, ये चीजें तो खैर चलती जा रही हैं और इसका कोई हल नहीं है मेरे ख्याल से। इसका जवाब मैं दूंगा। देखिए जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर नहीं ले पाया, तब हम इतिहास को देख के कहते हैं कि 3 बार अटैक करके आपने देख लिया कश्मीर नहीं मिल पाया, जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर करके आपने देख लिया कश्मीर नहीं मिल पाया, आपने डिप्लोमेटिकली कोशिश करके देख ली कश्मीर नहीं मिल पाया, मतलब आपने ऐसी कोई क्या कहूं जुगत छोड़ी नहीं जिससे कश्मीर को हासिल किया जा सके। लेकिन नहीं हुआ। इंडिया ने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम अटैक करके कश्मीर लेंगे, इंडिया की तरफ से कभी बयान नहीं आया कि हम हमला करके कश्मीर लेंगे, ना कश्मीर के लिए हमने अटैक किया। हमारा वे ऑफ टेकिंग बैक कश्मीर थोड़ा अलग है, जैसे आप लोग सिर्फ कश्मीर चाहते हो, कश्मीरियों को नहीं चाहते, वहां के रिसोर्सेज चाहते हैं, हमारा थोड़ा सा उल्टा मामला है, हम सब कुछ चाहते हैं, हम कश्मीरी भी चाहते हैं और हम जमीन भी अपनी वापस चाहते हैं। और देखिए ये सारा खेल माइंडसेट का है, माइंडसेट कैसे बदलेगा? आपने अभी देखा होगा कि पाकिस्तानियों के पास जम्मू कश्मीर में नारेबाजियां हो रही हैं, अभी बीच में क्लिप बड़ी वायरल हुई इस्लामाबाद में, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग आके कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद वालों सुन लो, हम दिल्ली से अपनी सुरक्षा मांगेंगे बोलेंगे करने के लिए, तो वो दिल मत आने दो। कहने का मतलब है कि वहां के लोगों का माइंडसेट अब बदल रहा है, जब वो सरहद पार देखते हैं कि यार वहां पे तो 30 रुपए किलो आटा मिल रहा है, वहां पे तो 90 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, वहां पे तो जी 5G चल रहा है, वहां पे तो सड़कें हैं, रोजगार है, ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो उनका दिल भी तो दुखता होगा ना कि भाई हमने पाकिस्तान का साथ देकर हमने क्या कर लिया, अच्छा क्या हासिल हुआ हमारे पास, न सड़कें हैं, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। तो देखिए हमारा जो वे ऑफ है ना वो ऐसा है कि वहां माइंडसेट बदलना है, वो 5 साल लगे, 25 साल लगे, 50 साल लगे, जब माइंडसेट बदल जाएगा तो हमें वापस नहीं लेना है, वो अपने आप आके जुड़ जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन खैर पाकिस्तान ने भी कभी ये नहीं कहा कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए, ऐसी बात पाकिस्तान ने भी नहीं की। लेकिन हाँ ये जरूर है कि भारत में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है वो तो जाहिर है यहाँ सभी देख रहे हैं, और उसी से मेरा ख्याल है कि जो कश्मीर का कॉज है या कश्मीर का जो केस है वो भारत के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों को यहाँ पर। लेकिन अगेन अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी की,
कल वो पहुंचेंगे, क्या लग रहा है आपको कि कोई मतलब हाथ वाथ मिला पाएंगे आपके यहाँ की लीडरशिप से, या जैसे आपने पहले बताया कि हाथ नहीं मिलाए पहले लीडर्स की जो आपने बात की, तो क्या उस तरह का, या कोई कोल्ड शोल्डर दिया जाएगा, या बस ऐसे ही बस आ गए तो ठीक है आ गए अटेंड करें और जाएं, या भारत की तरफ से भी एक दो स्टेप उठाए जाएंगे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू की जाए और थोड़ा सा अच्छे इखलाक का या अच्छा माहौल क्रिएट किया जाए कल? देखिए, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो मुझे लगता है कि वो नॉर्मल मीटिंग की तरह होगी, अगर नॉर्मल बिहेव करेंगे बिलावल भुट्टो तो नॉर्मल मीटिंग की तरह होगी। और मुझे लगता है शायद हाथ वो न मिलाया जाए, नमस्ते कर लिया जाए दूर से, वो नमस्ते हो सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो जो एक क्या कहें, जो पीछे से बैकलॉग जो लेके आ रहे हैं ना, जो बयानबाजी वाला बैकलॉग था, हाँ, वो वही मैं बड़ा पूछने वाली थी। हाँ जी, उन पर वो थोड़ा भारी पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इंडिया के लोग बड़े नाराज थे उनकी बातों से, जो उन्होंने हमारे पीएम के लिए कहा कि जी ओसामा बिन लादेन तो मर गया लेकिन बचर ऑफ गुजरात जो है अभी जिंदा है। देखिए, जब आप सही इतने बड़े पोस्ट पे होते हैं, जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और एक बहुत अहम पद पर है, वो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर का काम होता है बहुत डिप्लोमेटिकली काम करना, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर करते हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली ये पर्सनल अटैक किया। ठीक है, आप एज ए इंडिया को अटैक करिए, आप उनको कश्मीर मुद्दे पर घेरिए, लेकिन जब आप पर्सनल अटैक पर आ जाते हैं ना, तो फिर आप इस बात के लिए भी तैयार रहिएगा कि पर्सनल अटैक आप पर भी होगा। तो मे भी अगर यहां पर आए और उन्होंने अगर थोड़ी बहुत इधर उधर की, तो मे भी हो सकता है कि इधर से कुछ ना कुछ ऐसा दिखाया जाए, शो किया जाए कि बॉस हम आपको ज्यादा भाव नहीं दे रहे। दूसरी चीज की आपने बात कही कि बिलावल भुट्टो के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मौका अच्छा है बिलावल भुट्टो के लिए, अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की राह जो है वो आगे आसान हो, तो उसके लिए उन्हीं को कोशिश करनी पड़ेगी। उनको अपने बिहेवियर को बदलना होगा, अपने नैरेटिव को बदलना होगा। वो नैरेटिव जैसे हमारा तो स्टैंड है, गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकती। तो जब तक हम टेररिज्म पर पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरह से आश्वासन ना पाने कि जी काबू पाया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, तब तक ये दोस्ती नहीं हो सकती, ये मान के चलिए। और जो नई लीडरशिप है वो बिल्कुल इस बात को लेकर बहुत क्लियर एंड कट है, फोकस उसका है कि जी ऐसे बर्दाश्त अब नहीं किया जा सकता। 75 ईयर से जो चीजें चली आई हैं, जिस ढर्रे से चली आई हैं, वो ढर्रा अब नहीं चलेगा। या तो आप यस करिए, नहीं तो नो करिए, खत्म करिए। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। तो ये जी, एक तरफ जो डिफेंस मिनिस्टर है वो शरीक नहीं हुए, हालांकि बड़ा शोर था उनका भी कि शायद वो जाएंगे इस मीटिंग में, नहीं गए, लेकिन दूसरी तरफ फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं। क्या मैसेज किया जा रहा है इंडिया को पाकिस्तान की तरफ से कि हम बात करना चाहते हैं या हम बात करना नहीं चाहते, क्योंकि एक मिनिस्टर नहीं जाता, दूसरा जो है वो चले जाते हैं, तो आपके ख्याल से क्या मैसेज जा रहा है और आगे ये मतलब आपको लग रहा है कि बेहतर हुआ है कि इस तरह की अगर मीटिंग्स होती रहे टाइम टू टाइम, पाकिस्तान से भी इनविटेशंस आते रहे, तो क्या भारत भी कभी भारत के भी लीडर्स कभी सोचेंगे कि वो भी पाकिस्तान विजिट करें? जी बिल्कुल, अगर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है तो वहां पे तो विजिट करना चाहिए, और भारत के लोग करेंगे भी। देखिए, बिलावल भुट्टो एज ए इंडिया पाकिस्तान के लिए नहीं आ रहे, वो बिलावल भुट्टो हमें समझना पड़ेगा एससीओ के लिए आ रहे हैं। वो सिर्फ इंडिया से बात करने नहीं आ रहे हैं, वो उस मंच पे आ रहे हैं जहां पे इंडिया भी है, इसके अलावा भी 10 कंट्रीज और भी हैं। तो इसको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि वो इंडिया से रिलेशन बेहतर करना है इसलिए वो आ रहे हैं, नहीं, वो एससीओ की मीटिंग के लिए आ रहे हैं। और एससीओ को हेड जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन एससीओ जो है वो चीन का प्लेटफॉर्म, तो बिल्कुल वो सही। चीन से अपने रिलेशन जो है वो बरकरार रखने के लिए वो आ रहे हैं कि चीन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी कि भाई अगर एससीओ का मेंबर स्टेट अगर एक शामिल नहीं हो रहा है, तो चीन के लिए भी तो दिक्कत है ना कि वो सफलतापूर्वक आयोजन नहीं होता है उसका। तो इसके लिए वो आ रहे हैं, वो इंडिया से बातचीत करने या इंडिया से संबंध ठीक करने, अगर इस लिहाज से इसको देखा जाए तो ये बिल्कुल मैं नहीं मानता कि इंडिया से संबंध ठीक करने, अगर इंडिया से संबंध ठीक करना होता तो फर्स्ट वो पीएम मोदी के पर ऐसे बयान नहीं देते, सेकेंड वो एस जयशंकर को लेकर भी जो दोनों के बीच बातचीत हुई थी वो भी बयानबाजी नहीं होती। तो इससे साफ संकेत दिखता है कि वो सिर्फ एससीओ की मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं, वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को अच्छे करने के लिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो पहले स्टेटमेंट्स दिए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए भी और आपके फॉरेन मिनिस्टर के लिए भी, तो उसको मतलब पीछे छोड़ देने का क्या तरीका है कि लोग उसको थोड़ा भूल जाएं, या आपके आप समझते हैं कि उनको कुछ सॉरी या किसी इस किस्म के अल्फाज बोलने चाहिए इस दफा बिलावल भुट्टो जरदारी को, जिससे उस बात को थोड़ा हल्का किया जा सके, या आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता? देखिए, मेरे हिसाब से एक तो बिलावल साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखिए उनकी भी मजबूरी है,
कि जब तक वो कश्मीर करेंगे और एंटी मोदी नैरेटिव अगर नहीं करेंगे तो इलेक्शंस में उनके यहाँ प्रॉब्लम होगी। आप मोदी की तारीफ करके, अब देखिए इमरान खान भले ही तारीफ कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो कहते हैं कि हमने मोदी के फैसले के खिलाफ, हमने देखो हमने ट्रेड रोक दी, हमने ये किया, हमने वो फैसला लेना जरूरी था, वो करते हैं ना। तो बिलावल भुट्टो देखिए बहुत थिन लाइन है ये, आपको चूज करना है कि आप इस थिन लाइन के इधर हैं कि उधर हैं, तो ये बहुत शार्पली इसको हैंडल करना पड़ेगा। और बिलावल भुट्टो साहब मुझे लगता है कि माफी मांगेंगे वो, और मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब भारत और पाकिस्तान के संबंधों को ठीक कर पाएंगे। शायद में भी दूसरा कोई फॉरेन मिनिस्टर आए तो वो शायद कुछ कर पाए, लेकिन मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब कर पाएंगे। यहाँ से जो मीडिया गया है उनमें एक दो लोगों को ही मैं जानती हूँ और उनको मैंने देखा ट्विटर पे, उन्होंने कुछ क्लिप वगैरह शेयर किए हैं यहाँ से जब क्रॉस किया उन्होंने वाघा बॉर्डर से, तो उन्होंने वो आपस में बात जो उन्होंने अपनी लगाई है तो उसमें से एक ने कहा कि यासीन मलिक की बात करनी चाहिए बिलावल भुट्टो जरदारी को जाके। उस पे खैर जिनसे उन्होंने पूछा था वो भी थोड़ा सा घबरा गए कि मतलब अभी आए और आते एंटर होते ही यासीन मलिक की क्या बात पूछ ली। तो क्या जो दूसरे जर्नलिस्ट है उन्होंने यही कहा, मेरे ख्याल मुर्तजा सोलंकी साहब थे, तो उन्होंने कहा नहीं हम जो है वो दरवाजे खोलने आए हैं बंद करने नहीं आए हैं और दोनों तरफ प्रॉब्लम्स हैं, इस किस्म की बात उन्होंने थोड़ा सा की। लेकिन खैर वो सवाल जो कर रही थी मुनीज़ हाशमी थी, मुनीज़ जहांगीर थी सॉरी, जो कि आसमा जहांगीर साहिबा की बेटी है, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो इस किस्म का सवाल कर रही है क्योंकि उनकी मदर जो है उन्होंने कभी इस तरह से बात नहीं की। लेकिन आपके ख्याल से यासीन मलिक का इशू इस वक्त क्या उठाया जाएगा या उठाना चाहिए पाकिस्तान को? मुझे भी बड़ी हैरानी हुई अर्जुन जी कि आसमा जहांगीर की बेटी जो है वो ऐसे बात कर रही है। आसमा जहांगीर को मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी बड़ी इज्जत की नजरों से देखा जाता है, और जो काम उन्होंने किए हैं और जिस तरह उनको लाइन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, मुझे लगता है कि कहना चाहिए, वो बड़ा जबरदस्त काम करती है। और उनकी बेटी अगर ऐसी बात कर रही है तो मुझे लग रहा है कि माँ से थोड़े गुण नहीं मिले हैं उनको, वो समझ नहीं पाएंगे अपनी माँ को कि उन्होंने क्या किया है पाकिस्तान के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं या जो बलूचिस्तान को लेकर जो उनका स्टैंड रहा है हमेशा। मैं भी बड़ी हैरान हुई थी जब मैंने सुना, तो मैंने कहा है ये मुनीजा कैसे इस तरह की बात कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मुझे भी हैरानी हुई कि कैसे वो ऐसे बात कैसे कर सकती है। खैर उनका जाति मसला है। दूसरी बात मैं आता हूँ कि आपने कहा यासीन मलिक की बात करेंगे, एक होता है सर मुंडाते ओले पड़ना और एक होता है कि ओखली में सर दे मारना। तो अगर यासीन मलिक की बात अगर की गई तो यकीन मानिए पाकिस्तान ओखली में अपना सर डालेगा, ये गारंटी है। देखिए यासीन मलिक को हम सब जानते हैं, इंडिया प्रो इंडिया वो नहीं है, वो हमेशा एंटी इंडिया रहे हैं, और उनको जो सजा हुई है या जो भी चीज हुई है वो हमारे कोर्ट के द्वारा की गई है। उन्होंने स्वीकार किया है कि एयरफोर्स के ऑफिसर्स की मर्डर उन्होंने किया, उन्होंने स्वीकार किया, तो सजा उनको उस चीज के लिए हुई है। तो इस बात को समझना होगा कि एंटी इंडिया आप काम करोगे, आप लोगों के मर्डर करोगे, वो भी एयरफोर्स के अधिकारियों के मर्डर करोगे, तो आप इसके लिए बच नहीं पाओगे, आप कब तक सहानुभूति बटोरोगे, सब कुछ करोगे। तो एंटी इंडिया आप पाकिस्तान में अगर ऐसा हो जाए तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है या पाकिस्तान का जो प्रशासन है क्या वो छोड़ देगा ऐसे आदमी को जो उनके एयरफोर्स के आदमियों को मार दे? नहीं छोड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।